तो दोस्तों, विश्व के 100 से भी ज़्यादा देशों में फैली स्वीडन की एक बहुत बड़ी कंपनी ने भारत के बेंगलुरु में अपने नए प्लांट को ओपन किया है। एंड इन दिस प्लांट कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े कुछ नए और महत्वपूर्ण कामों को करने वाली है। तो ये जानते हैं स्वीडन बेस्ड इस बड़ी कंपनी की सारी जानकारियाँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम स्वीडन की जिस बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है एपिरोक। असल में दोस्तों, ये कंपनी विश्व के अलग अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए कुछ नए कामों को करती है और इन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी करती है। तो इस कंपनी ने भारत के बेंगलुरु में इंजीनियरिंग सेंटर नाम से इस प्लांट को ओपन किया है और ये कंपनी यहाँ पर बैटरी कन्वर्जेशन का काम करने वाली है। सरल भाषा में बात करें तो भारत के अंदर जितने भी डीजल और पेट्रोल ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उन सभी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करने का जो काम है वो इस कंपनी के द्वारा किया जाएगा, जिसका जिक्र कई बार हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भी किया है अपनी कई स्पीचेस में। तो अब इस कंपनी ने सक्सेसफुली इस प्लांट को ओपन कर लिया है एंड विद इन वन वीक ये कंपनी अपना काम स्टार्ट कर देगी। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ खास जुड़े कामों को लेकर के। तो सबसे पहले ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रिसर्च का काम करती है। इसी के साथ में, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो भी हमारे डीजल या फिर पेट्रोल ऑपरेटेड चीजें हैं उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का काम करती है। सिंपल भाषा में कहें तो यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने जाते हैं तो आपको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अपने ही पेट्रोल व्हीकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको बहुत ही कम प्राइस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिल जाएगा, आपका पुराना ही व्हीकल्स। इसके साथ में हमारे देश के अंदर एक साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा बिके थे, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके थे उनमें जो इस्तेमाल की गई थी वो की गई थी लेड एसिड बैटरी, जिसकी जो एफिशिएंसी होती है वो एक साल बाद ख़राब होने लगती है। तो ऐसे में ये कंपनी यहाँ पर उन बैटरीज़ को रिप्लेस करके लिथियम आयन बैटरीज़ को इंस्टॉल करेगी जो भी पुराने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में ऑपरेशन फॉर्म में हैं। इसी के साथ में भारत के अंदर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है जिसकी मदद से हम प्रदूषण को बहुत बड़े पैमाने पर नियंत्रण कर सके, कंपनी इसके ऊपर भी रिसर्च करेगी आने वाले कुछ सालों के भीतर। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंपनी के अंदर जितनी भी मशीनें ऑपरेशनल फॉर्म में है वो सभी की सभी सोलर पैनल्स और बैटरी से ऑपरेट की जाती हैं। इस तरीके से कंपनी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में एक बड़ी मदद कर रही है। तो एरोपिक कंपनी के बारे में आप सभी लोगों का क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कॉन्टेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।